हेलो दोस्तों, और आज हैम्स किचन में कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाला है जो बहुत है बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलो आज हम बनाएंगे मैक आलू टिक्की बर्गर। ठीक, मैकडोनल्ड्स में दो टाइप के बर्गर आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल के। एक मैक वेजी बर्गर आता है और एक मैक आलू टिक्की बर्गर आता है। अभी जो मैक वेजी बर्गर है वो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है, थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, तो उसमें लेट्यूस है, सेसम सीड वाला बन यूज किया जाता है और मेयोनेज है। मैक आलू टिक्की बर्गर थोड़ा बेसिक वाला है, बेसिक लेवल का है, उसमें कम पैसा लगता है, आई मीन थोड़ा लो कॉस्ट वाला है, तो उसमें लेट्यूस नहीं रहता, उसमें ऑनियन और टमाटो ही डाला जाता है, ठीक है। और जो बन दिख रहा है वो उसमें कोई सेसम सीड नहीं है, ठीक है, तो सब कुछ थोड़ा लो इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं बनाना मैक आलू टिक्की बर्गर। मैक आलू टिक्की बर्गर मैकडोनल्ड स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए बर्गर बन, ठीक है। ये बर्गर बन क्या है, ये देखिए, आप देख सकते हो नॉन सेसम सीड वाला बर्गर बना है, सेसम वाले भी ले सकते हो, बट ट्रेडिशनली मैक आलू टिक्की नॉन सेसम सीड वाले से बनता है, बर्गर बन से बनता है। वो इसके साथ क्या चाहिए, अंदर के लिए लेट्यूस नहीं डाला जाता है ना उसमें, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए ऑनियन डाला जाता है, ठीक है। ऑनियन के भी, ऑनियन जो है एसिडिक होता है, ठीक है। अभी एसिडिटी को घटाने के लिए क्या करना, आपको ऑनियन को पानी में डालना है पहले, उसके बाद उसको फ्रिज में 5 मिनट तक डालना है, उसके बाद ऑनियन फ्रेश हो जाएगा, नो टेस्ट, आई मीन नो एसिडिटी। उसके बाद टमाटो थोड़ा सा, वो भी फ्रिज में रख सकते हो 5 मिनट के लिए। अभी इसके बाद एक स्लरी बनाते हैं, ठीक है, ड्राई बैटर, वेट बैटर। तो उसके लिए मैदा जाता है वेट बैटर में, कॉर्नफ्लोर, ये मकई का आटा कहते हैं, कॉर्न मील, ये कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्न मील। उसके बाद इसमें जाएगा नमक और पेपर, थोड़ा तेल, पानी। मैं ड्राई बैटर के लिए, ड्राई कोटिंग के लिए मैदा वेट में करेंगे, उसके बाद ब्रेड, तो उसका हो गया सॉल्ट। इसके बाद जो मेयोनेज है, अंदर के फिलिंग के लिए डालते हैं मेयोनेज को, एक टैंगी सॉस डालते हैं, ऑरेंज टैंगी सॉस। उसके लिए मेयोनेज चाहिए, क्या स्मार्ट सॉस, स्मार्ट मेयोनेज है वीबा का। उसके बाद टमाटो केचप और रेड चिली सॉस, जो चाइनीज में यूज करते हुए। उसके बाद इसमें थोड़ा स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। स्पाइस के मैं एक बार वेजिटेबल दिखा देता हूँ। वेजिटेबल में आलू है, पोटैटो, जितना पैड उतना। फिर इसमें ज्यादा वेजिटेबल नहीं, जैसे हमारे मैक वेजी में कॉर्न वो सब है, वेजिटेबल है, तो बीन्स पीस सब है, इसमें बस पीस ही डलते हैं, ठीक है, तो पीस और पोटैटो पैटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें थोड़ा बटर चाहिए कुकिंग के लिए। पोहा किसके लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और तेल डीप फ्राई के लिए, पानी पता ही है। उसके पहले हम स्पाइसेस की बात करते हैं, तो इसमें धनिया पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, हल्दी पाउडर है, फिर ये क्या है, पीली मिर्ची का पाउडर, येलो चिली, आप रेड चिली भी डाल सकते हो, बट पीली मिर्ची ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये गार्लिक पाउडर, नमक, पेपर। अब एक और चीज काम करते हैं, पहले ये क्या है कि ये जो पोहा है इसमें थोड़ा पानी डालना, ठीक है, बस ये पानी में थोड़ा डाल देते हैं, बस ये पानी में ये पोहे को एक 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, जिस तब तक वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, और यही हम बाइंडिंग के यूज करेंगे। अभी शुरू करते हैं, उसके लिए पहले क्या करना है कि पैन रखना, ठीक है, और इसमें जाएगा बटर, बटर थोड़ा सा, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा तेल, बस। तो दोनों बटर और तेल थोड़ा पिघलाएं, थोड़ा पिघलने देना है। उसके बाद इसमें पोटैटो, पोटैटो जाएगा, साथ ही पीस भी जाएगा, और थोड़ी पानी, थोड़ा सा, ठीक है, बस थोड़ा सा पानी, बस
अभी इन सबको कि पोटैटो पहले से ही थोड़ा पानी में रखा था, थोड़ा हुआ है, पीस पहले से थोड़ा पानी में रखा था, तो थोड़ा से पानी चाहिए, थोड़ा कुक होने देना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही बाकी करेंगे, या किसी जो रॉ फ्लेवर है थोड़ा चली जाए। अभी इसमें पहला जो है नमक डालेंगे, नमक की डाल रहे हैं बता दो, क्योंकि पोटैटो का मॉइस्चर रिलीज करे, ठीक है, तो उसमें पहला थोड़ा नमक जाएगा बस, और नमक डालने के बाद दो मिनट में ही नमक इतना ही डालें, क्योंकि बाकी इसमें भी थोड़ा नमक डालेंगे, तो इसमें इतना ही डालना है, जैसे ही ये नमक डालते हैं पोटैटो मॉइस्चर रिलीज करते हैं, उसको डालने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इसमें जाएगा पोहा, तो इसी स्टेप में डालना है, कंपल्सरी है। अभी नहीं डालेंगे तो फिर आएगा बनाने जाओगे बर्गर, इसमें ज्यादा आएगा मॉइस्चर और बचेगा, और कुछ आप बोलेंगे आप अरविंद ने बताया नहीं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। अभी पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है, पोहा इसी स्टेप में डालना कंपल्सरी है। अभी इसमें क्या डालेंगे, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस में हमारे पास है धनिया पाउडर, अभी इतना लिया तो है पर ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, ये थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं धनिया से। इसमें जाएगा पीली मिर्ची पाउडर, थोड़ा कंट्रोल में डालिए, थोड़ा ज्यादा तीखा है, थोड़ा डालना ही है क्योंकि और कोई स्पाइस नहीं है इसमें, थोड़ा नमक, आई में थोड़ा हल्दी, इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, ठीक है, अभी जो गार्लिक पाउडर है आराम से बाजार में मिल जाएगा, तो थोड़ा गार्लिक पाउडर भी इसमें जाएगा ही। ये मैका रोटी की इंडियन बर्गर है, तो इसमें इंडियन स्पाइसेस ही डालेंगे, डलता है, और इसमें पेपर भी जाएगा थोड़ा, ठीक है, पेपर थोड़ा डालिए हल्दी से ना करिए, ठीक है, और अच्छे से सबको मिक्स कर, नमक से पहले से ज्यादा था, अभी नमक नहीं जाएगा इसमें। अभी ये बहुत ड्राई हो गया है और रेडी हो गया है, गैस ऑफ करेंगे तो निकाल, आई मीन चढ़ा दिया, निकाल दिया, तो अभी क्या करना है आप देख सकते हो, देखिए एक फॉइल पेपर है उसमें डाल दिए, तो क्या आप सोच रहा हूँ, क्या होगा देख सकते हो, एक परफेक्ट टिक किया जाता है, ठीक है, उसे थोड़ा रोल कर दीजिए, मेरी से आप आराम से चार टिक्की बना सकते हो, तो कर दिया है मैंने ये ट्विस्ट, बन गया है मिस्ट, मजा करो, तो रेडी हो गया है हमारा सॉसेज, तो इसको क्या करना है, अभी फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट, 25 मिनट तक रख सकते मैक्सिमम, ठीक है, आधा घंटा तो ज्यादा अच्छा है, 15 मिनट तक मिनिमम रखना है, तो रखते हैं फ्रिज में। अभी हमने उसको फ्रिज में रख दिया है, बनाएंगे मैकालो टिक्की का ऑरेंज टैंगी मैयो, ठीक है, तो इसमें मैकालो टिक्की में ऑरेंज टैंगी मैयो बनता है, बाकी मैकवेजी में मेयोनेज रखते हैं, बट इसमें स्पेशल मेयोनेज रहता है, तो उसे बनाने के लिए हमारे पास है मेयोनेज, ईवा का स्मार्ट मेयोनेज, तो मेयोनेज पाव चाहिए, बस मेयोनेज काफी है, फिर इस मेयो में जाएगा हमारा, आई मीन बहुत सारे लोगों को जो पसंद है वो है टोमेटो केचप, और इसमें लास्ट में जाएगा थोड़ा चिली सॉस, चिली सॉस जो आप जो चाइनीज में यूज करते ना, वही सबको एक अच्छा मिक्स देंगे, और बन जाएगा
हमारा ऑरेंज टैंकी मेयो, ऑरेंज टैंकी मेयो हो गया रेडी। तो गाइस पूरी गाइस अभी बनाएंगे स्लरी विद स्लरी। तो उसके पहले बाउल, बाउल में जाएगा मैदा, मैदे में जाएगा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में जाएगा क्या कॉर्न मील मकई का आटा। कॉर्न मील कंपल्सरी आपको बाजार में मिल जाएगा, मकई का आटा बोल दीजिए। और जाएगा नमक बस, और थोड़ी सी पेपर। ओके पेपर डन, पेपर हो गया। इसमें जाएगा तेल, तेल कंपल्सरी है। बस तेल हो गया। और लास्ट में जाएगा पानी, पानी तो कंपल्सरी ना, तो बैटर मतलब पानी तो है। तीन बैटर चाहिए, आई मीन मीडियम तीन चाहिए, ठीक है। ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए, इसके भी थिक है तो थोड़ा पानी से लूज कर देंगे बस। अब अच्छे से सारे मैदा सबको इनकॉर्पोरेट करके बैटर बनाएंगे। अब थोड़ा लास्ट में पानी, बस सब कुछ हो गया है। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ड्रॉपिंग बट थिक, ठीक है। तो अभी हो गया है हमारा वेट स्लरी ऑरेंज टैंगी मेयो, ब्रेड क्रम्स और ड्राई कोटिंग रेडी। चलो बाकी का प्रोसेस क्या है। तो हमारा अभी दो टिक्कीज रेडी हो गया है, फ्रीजर में रखा है 15-20 मिनट के लिए रखा है, सेट हो गया। अभी हमारे इधर मैदा मिक्सचर है, ब्रेड क्रम्स मिक्सचर है, और ये जो हमने बनाया था मिक्सचर कॉर्न मील कॉर्नफ्लोर सबका जो मिक्सचर बनाया था वो सब है। अभी पहले क्या करेंगे, एक डीप पैन रखेंगे, तेल लगेंगे, ठीक है। मैं ये बस इसमें एक चीज जो है कि क्या बताओ कि थोड़ा अनहेल्दी क्यों बताओ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा डीप फ्राई है, ठीक है। अब शेल फ्राई भी कर सकते, वो टेस्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे मैदा पे रखेंगे, इसको थोड़ा रीशेप कर सकते इधर, थोड़ा मैदा ऊपर से छिड़क के साइड से भी इसको, इस प्रोसेस को बेसिकली आप बोलते पता है डस्टिंग, आई मीन क्रम डस्टिंग कहते हैं। इधर से उठा के देते हैं, और इसमें ये लास्ट प्रोसेस है जहां हम रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप रीशेप नहीं कर सकते, तो जितना भी रीशेपिंग हो, पतला करना हो, मोटा करना हो, आप इधर ही कर लेना। इसको बाद इसको इसमें डुबा देंगे, और इसमें हमारा ये पेस्ट जो है कॉर्नफ्लोर कॉर्न मील मैदा का, उसको उसके पर से अप्लाई कर देंगे। तो साइड से लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब इसमें इसको ब्रेड क्रम्स डाला है, इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स डालेंगे, टिक 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 टिक, बस साइड से भी कहते हैं, इसको कहते हैं
क्रम कोटिंग, क्या कहते हैं? क्रम कोटिंग। पैरा टिक्की हो गया रेडी, आलू का पैटी रेडी है, दो सेट आलू टिक्की रेडी है, आप लास्ट प्रीशिप कर सकते हो। अभी थोड़ा दबाइए, परफेक्ट कीजिए रेडी। लीजिए गरम तेल में डालिए, सिम पे ही रखिए कि तेल रेडी है, और ऐसे तेल लगाना ठीक है। मैकडोनल्ड्स को कैसे, उन लोग का कैसे रहता है, तो सिस्टम ऐसे डीप फ्रायर रहता है, तो उन लोग कैसे इसको ऐसे दबा के सुनने लगते हैं, हम तो ऐसा नहीं है करते, तो ऐसे कर दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए, देखिए इसे तेल इसके ऊपर ऐसे रख डाल दें ठीक है, ताकि वो ही अच्छा सा क्रिस्पी क्रंची कलर इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद खाइए, मजे लीजिए हमारे आलू टिक्की बर्गर। थोड़ा और इंतजार कीजिए, हो जाएगा। एक चीज का ध्यान आपको बहुत रखना है, ये कि जो तेल है ना बहुत ही गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा होएगा बनाने जाओगे बर्गर पैटी ब्राउन कलर आएगा, नहीं आएगा सफेद कलर, आई मीन पीला कलर। और आप बोलेंगे अरविंद ने बताया नहीं, अरविंद ने बताया था ना ये, तो उसका ध्यान रखना है ठीक है। इसको पलटना है ठीक है, देख देख सकते हो कि थोड़ा हो रहा है क्रिस्पी, थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद हो जाएगा। तो हमारा ये पहला वाला आलू टिक्की रेडी होगा, एक बार लास्ट पलटेंगे और निकाल लेंगे, गैस सिम कर देंगे, गैस पहले से सिम में था क्योंकि तेल बहुत ही गर्म था इसलिए ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि तेल को अच्छे से इसमें निकालिए ताकि जितना भी तेल है वो निकल जाए, और देखिए रख देंगे। दूसरा पैटी भी सेम ही प्रोसेस करेंगे, लेंगे एक्सेस ब्रेडक्रम्स निकाल लेंगे और झटपट तेल में गिरा देंगे, ये भी 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये भी रेडी हो गया, काट देते हैं। तो बीच में से काट डाल लेंगे, Here we go. ये रेडी है, फटाफट फटाफट हमारा ये बर्गर बन्स को टोस्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा टोस्ट नहीं करना है, बस स्लाइट टोस्ट, रेडी टू गो ठीक है। टोस्ट कर देंगे, बटर से एक और चीज आएगा कि अच्छा चीज क्या, एक तो टोस्ट होगा स्लाइटली रॉनेस जाएगा, और दूसरा ये कि थोड़ा टेस्ट भी आता ठीक है बर्गर में, तो स्लाइटली टोस्ट करना ना भूलिए। और आपको पता नहीं ना कि ये किधर किधर से ये बर्न आता है, तो उसको जर्म्स निकालने के लिए भी अच्छा है। एक करेंगे प्लेटिंग, बर्गर हो गया टोस्ट। प्लेटिंग के लिए देखिए क्या है, एक तो बर्गर बंस मैंने देखिए उसको स्लाइटली टोस्ट किया, वो ऐसे करना है तो ज्यादा टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें है हमारा ऑनियन पानी में डाला हुआ रखा था, हमारा बर्गर पैटी 2, टोमेटोस और टैंगी ऑरेंज टैंगी मेयो ठीक है। बहुत ही सिंपल बर्गर है जिसके कारण इसका असेंबलिंग भी बहुत सिंपल है ठीक है। कैसे असेंबलिंग देखिए, बॉटम बन लीजिए, इसमें हमारा फ्रेश ऑरेंज टैंगी मेयो डाल देते हैं, और स्पून पर कैसे पकड़ना, देखिए पकड़ने के बाद सिंपली सेम स्प्रेड करना है। अभी आपको लग रहा है थोड़ा कम हो गया है, तो मैं सही से थोड़ा डाल देते हैं ठीक है।
ये हम जो ऑरेंज चाहिए बर्गर, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि इससे ये बहुत ही सिंपल बर्गर में बोल रहा था, इस बार टेस्ट जो है इससे ही आता है, तो इसमें कंजूसी ना करे, वही तो मैं ये बताऊंगा। अभी इसमें हमारा प्याज रख देते हैं, उसके ऊपर आएगा बर्गर पैटी, बर्गर पैटी के ऊपर थोड़ा और ऑरेंज टैंगी मेयो सबके लिए, उसके ऊपर आएगा हमारा टमाटोज और प्याज एक और लेमन, बस। अभी इसका टॉप बन में भी बेसिकली ट्रेडिशनली जो मैकडोनाल्ड स्टाइल है उसमें एक ही बन में अप्लाई किया जाता है, जो मेयो है ऑरेंज टैंगी मेयो, वो एक ही बन में अप्लाई किया जाता है, या तो टॉप बन में या बॉटम बन में, बट मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो दोनों उसमें कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट तो आना ही ना। तड़को प्रेस डाउन कर देंगे, बन गया बर्गर रेडी। अभी दो सेट हो गया प्लेटिंग के लिए, तो मैंने इसमें एक प्याज ऊपर की, इसमें छोटा प्याज और थोड़ा और मायोनेज डाल दिया था डेकोरेशन के लिए, और लास्ट में मैं इसमें डैश टमाटो केचप दोनों इसमें थोड़ा डाल देता हूँ, और ऐसा एक लाइन जैसे छोटा, बस। तो हमारा ये मैक आलू टिक्की रेडी हो गया है, अंदर से भी अच्छा है बाहर से भी अच्छा है। ये एक चीज है कि ये जो है मैकडोनाल्ड स्टाइल है, बस एक ही डिफरेंस है जो मायोनेज का बोला था पहले, तो उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रेसिपी किया है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो ऑफ मैक आलू टिक्की, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उधर से जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी तक हुए उसके लिए थैंक यू, और अभी आगे बढ़ाने के लिए भी थैंक यू, अभी से बोल देता हूँ। तो बाय, अभी कोविड है तो कोविड घट रहा है, अभी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं बाहर, तो पता ही है, तो भी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मास्क पहनिए।